गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो चैप्टर 13 कंप्लीट हुआ है, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। बट उसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देंगे, क्योंकि सिंपल थियोरेटिकल हैं एंड बहुत सारे ऐसे हैं कि टेक्स्ट बुक में से आप देख के इजीली खुद कर सकते हो। तो जिसके अंदर 13.1 IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो आपको खुद करना है। देन 13.2 वो भी खुद करना है। 13.3 देन 13.4 ओके, इतने आपको होमवर्क में करने हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13.5 से, जो है कन्वर्जन्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कन्वर्जन। हाउ विल यू कन्वर्ट, जिसके अंदर फर्स्ट बोला है इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनेमाइन। फर्स्ट है इथेनोइक एसिड, इनटू आपको कन्वर्ट करना है मिथेनेमाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट the formula of reactant and product. First of all, write the formula. The formula is CH3. COOH is ethanoic acid and methanamine CH3 NH2. So first of all, see the difference here. In a reactant, there are two carbon atoms. In a product, only one carbon atom. In a product, there is only one carbon atom. So, हमें क्या करना होगा वो आपको सोचना है कि एक कार्बन कम चाहिए प्रोडक्ट में। तो there is only one reaction in our chapter, and कौन से है वो, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, CONH2 एमाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होगा, एमाइड ग्रुप। सो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं CH3 COOH डायरेक्टली तो आ नहीं सकता, तो उसकी रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, हमने सीखा है OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा एंड आपको मिलेगा COCl, और एक्चुअल लिखना है तो C OCl इथेनॉइल क्लोराइड मिलेगा। ओके, अब एमोनोलिसिस करेंगे NH3 के साथ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, माइनस HCl होगा एंड यू विल गेट CH3 CO NH2। अब ये देखो, आपको एमाइड ग्रुप मिल गया इथेनेमाइड। अब आप कर सकते हो, चलो इसका हॉफमैन रिएक्शन करेंगे विथ Br2 प्लस NaOH। तो कन्वर्जन में एक चीज़ याद रखनी है आपको, मेन प्रोडक्ट्स लिखनी होती हैं। तो क्या मिलेगा, Br2 प्लस NaOH से आपको मिलेगा CH3 NH2।
मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन। ओके, सिंपल रिएक्शन था, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना होगा कि कहाँ से स्टार्ट करें एंड रिट्रो सिंथेसिस में जाओ, मतलब प्रोडक्ट है उसका आगे का स्टेप आप सोचने की कोशिश करो कि ये कैसे हो सकता है इसको देख के, रिएक्टेंट को देख के। तो कार्बन कम है तो हॉफमान रिएक्शन चाहिए, हॉफमान के लिए एमाइड होना चाहिए, तो हम उस तरीके से जाएंगे। चलो सेकंड रिएक्शन है हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल टू वन एमिनो पेंटेन। वन एमिनो पेंटेन सेम वे यू कैन क्लियरली सी दैट हियर इन अ रिएक्टेंट देर आर सिक्स कार्बन एटम्स। लिखना है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे C5H11CN। ओके, सिक्स कार्बन एटम, द फॉर्मूला C5H11CN इज अ हेक्सेन नाइट्राइल एंड वन एमिनो पेंटेन C5H11NH2। ओके, सो हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, एक कार्बन कम चाहिए प्रोडक्ट में, तो हॉफमान रिएक्शन तो करना ही होगा एंड हॉफमान रिएक्शन के लिए CONH2 ग्रुप लाना है, CONH2 ग्रुप लाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इथेनॉल क्लोराइड या कोई भी ऐसा ग्रुप लाना होगा, COCl ग्रुप, एंड उसकी मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, C5H11CN हेक्सेन नाइट्राइल है, अगर मैं H+ एसिड के साथ, एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड बन जाएगा। अब देखो, अब तो रिएक्शन सिंपल है, फर्स्ट रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ, ओके, प्रोडक्ट आपको खुद लिखना है। सेकंड रिएक्शन करेंगे NH3 के साथ एंड थर्ड रिएक्शन पे हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट। ऊपर वाला जैसा है वैसा ही करना है, COCl, यहाँ पे COCl आएगा, देन एक्सेस NH3 से एमाइड बन जाएगा एंड हॉफमान रिएक्शन, तो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। ओके, तो बेसिक आपको माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, तो आप कन्वर्जन इजीली यूज़ कर पाओगे और बेसिकली आपको ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन माइंड में होने चाहिए चैप्टर्स के, क्योंकि सभी चैप्टर्स को मिला के कन्वर्जन पूछे जाते हैं। चलो थर्ड देखते हैं, मिथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड, मिथेनॉल एंड उसमें से बनाना है इथेनॉइक एसिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिथेनॉल, उसका फॉर्मूला CH3OH एंड इथेनॉइक एसिड CH3COOH। सो फर्स्ट देख के आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुए दैट मीन्स कुछ ऐसे रिएक्शन करने होंगे कि जिसके अंदर कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं। तो ऐसे तो वुड्स रिएक्शन थी, ग्रिगनार्ड रिएक्शन थी, अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करके साइनाइड ग्रुप
ऐड करके कार्बन इंक्रीज कर सकते थे। एंड यहाँ पे देखोगे एसिड भी चाहिए, तो एसिड हम लोग इजीली अल्कोहल में से भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड में से भी बना सकते हैं, साइनाइड से भी बना सकते हैं। साइनाइड का रिएक्शन तो आपके सामने ही है कि इस एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो COOH हो जाएगा CN का, नाइट्राइल ग्रुप का, ओके। एंड वो एक कार्बन भी है तो वही कार्बन COOH में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे OH की जगह पे साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूँ तो फिर मेरा काम इजी हो जाएगा, पर साइनाइड ऐसे तो कर नहीं सकते, OH का डायरेक्टली साइनाइड तो हो नहीं सकता। तो क्या करना होगा मुझे, साइनाइड इंट्रोड्यूस करने के लिए हैलोजन चाहिए होगा वहाँ पे, SOCl2 तो मिलेगा CH3Cl। अब मैं साइनाइड इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, OH ग्रुप डायरेक्टली साइनाइड से सप्लेस नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ विथ अल्कोहलिक KCN और NaCN भी यूज़ कर सकते हो आप, तो वो हो जाएगा CH3CN एंड विथ एसिडिक वाटर वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। ओके, सिंपल रिएक्शन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इथेनेमाइन टू मीथेनेमाइन, फोर्थ वन। इथेनेमाइन टू मीथेनेमाइन, ओके। सेम वे यहां पे भी नंबर ऑफ कार्बन कम है, नंबर ऑफ कार्बन इथेनेमाइन CH3CH2NH2CH3CNH2। तो मुझे कुछ भी करके क्या करना होगा कि यहाँ पे एमाइड ग्रुप लाना होगा, ये CH3CH2NH2 है, उसकी जगह पे अगर CH3CONH2 होता तो मैं एक ही स्टेप में कर पाता, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे कुछ भी करके क्या करना होगा कि यहाँ पे मुझे एमाइड ग्रुप लाना है। एमाइड ग्रुप अगर मैं यहाँ पे ला सकता हूँ तो फिर यहाँ पे इजीली कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे वो आपको बेसिकली सोचना है। सो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे कि कुछ भी करके COOH ग्रुप मुझे लाना है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो CH3CH2NH2 है, COOH ग्रुप लाना है तो पहले क्या करना होगा, क्लोरीन होना चाहिए, उससे पहले एसिड होना चाहिए, तो पहले मुझे इसको एसिड में कन्वर्ट करना होगा कुछ भी करके। तो हमारे पास ऐसा तो कोई रिएक्शन है नहीं, NH2 को रिमूव करना है तो नाइट्रस एसिड के अलावा कोई बेस्ट रिएक्शन है ही नहीं, NaNO2 प्लस HCl, सो इट विल गिव यू CH3CH2N2 प्लस Cl माइनस, एंड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3CH2OH मिल गया। अब देखो इसका क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन करते हैं विथ KMnO4 एंड H2SO4, एसिडिक KMnO4, तो CH3COOH में वो कन्वर्ट हो गया। अब ये तो ऊपर वाला रिएक्शन ही हो गया, CH3COOH मीथेनेमाइन हो गया रिएक्शन, जो वन था वो ही पूरा हो गया। बहुत ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप का रिएक्शन है, बट आपको यही सोचना है अगर रिट्रोसिंथेसिस में आप जाओगे कि प्रोडक्ट के आगे का स्टेप क्या हो सकता है, उसके आगे का स्टेप क्या हो सकता है, उसके आगे का स्टेप क्या हो सकता है, एंड उसको कोरिलेट करो किसके साथ, आपके रिएक्टेंट के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा। चलो इसके बाद फिफ्थ देखते हैं,
इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड. सो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस. सो C3COOH कार्बन इंक्रीज करना है तो एक्वियस साइनाइड, सॉरी अल्कोहलिक साइनाइड इज द बेस्ट ऑप्शन. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3COCl हो जाएगा. उसका अल्कोहलिक NaCN के साथ करते हैं, और KCN भी ले सकते हो. तो CH3CO क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा, सॉरी ये स्टेप से नहीं होगा, हमें क्या करना होगा क्योंकि COCN हो जाएगा, हमें CONH2 नहीं करना था, सॉरी. हम लोग क्या करेंगे, एसिड ही चाहिए, एक कार्बन इंक्रीज करना है तो हम लोग करेंगे एक्वियस साइनाइड वाला ही, बट इसको क्या कर देते हैं, पहले रिडक्शन कर देते हैं इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ प्लस वाटर, तो वो इथेनोइक इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल टू सॉरी एसिड टू अल्कोहल. अब इसका SOCl2 के साथ करते हैं CH3CH2Cl, देन अल्कोहलिक NaCN, इट विल गिव यू CH3CH2Cn, एंड देन एसिडिक वाटर, तो वो बना लेगा प्रोपेनोइक एसिड. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. सिक्स्थ, मिथेनेमाइन इंटू इथेनेमाइन. चलो यहाँ पे इथेनेमाइन टू मिथेनेमाइन बनाया था, आगे इसके अंदर आपको बनाना है मिथेनेमाइन, सॉरी इथेनेमाइन बनाना है मिथेनेमाइन में से. तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं, सोचो क्या करोगे. पहले तो इसका रिएक्शन करेंगे HNO2 के साथ, ओके तो वो CH3N2+Cl- हो जाएगा, देन वाटर के साथ तो CH3OH बन गया. अब क्या करेंगे, इसका हम लोग कर सकते हैं, आपको CH2NH2 चाहिए, ओके तो अल्कोहल बन गया है, हमने NH2 ग्रुप पहले रिमूव कर दिया. अब क्या करना होगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, तो कार्बन इंक्रीज करने के अंदर साइनाइड ग्रुप इज द बेस्ट. तो फिर क्या करेंगे, अल्कोहलिक KCN CH3 CN हो गया. अब नाइट्राइल में से तो डायरेक्टली रिएक्शन था, याद करो, कोई भी हम लोग CNA रिडक्शन कर देते हैं प्लस C2H5OH, तो साइनाइड टू नाइट्राइल टू एमाइन हो जाएगा थ्रू रिडक्शन रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन था. चलो सेवंथ, नाइट्रोमिथेन. नाइट्रोमिथेन टू डाई मिथाइल एमाइन. अब ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा और है भी. चलो नाइट्रोमिथेन दैट मीन CH3NO2 एंड डाई मिथाइल एमाइन दैट मीन CH3NH3. हमें एमाइन भी चाहिए, और वो भी कैसा चाहिए, सेकेंडरी एमाइन चाहिए. जब भी ऐसा कुछ रिएक्शन आता है कि आपको प्राइमरी एमाइन टू सेकेंडरी एमाइन बनाना है, तो ऑलवेज रिमेंबर कार्बाइल एमाइन रिएक्शन.
वो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के थ्रू हो सकता है, क्योंकि कार्बाइल एमाइन में क्या होगा, हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा, एंड आइसोसाइनाइड का अगर हम लोग करते हैं रिडक्शन तो हमें सेकेंडरी एमाइन मिलेगा, किसमें से, प्राइमरी में से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CH3NO2 है उसको H2PD करते हैं रिडक्शन, तो CH3NH2 हो जाएगा। अब कार्बाइल एमाइन रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH तो हो जाएगा CH3NC एंड फिर उसका रिडक्शन, अगेन कोई भी रिडक्शन कर सकते हो आप, बराबर। यहाँ पे हम लोग अगेन ले लेते हैं NaC2H5OH तो वो हो जाएगा CH3NH CH3। के कार्बाइल एमाइन रिएक्शन आपको करना होगा। चलो H1 प्रोपेनोइक एसिड इंटू इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, इथेनोइक एसिड CH3 COOH। नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करना है, वी हैव लॉट्स ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज किए हैं, ओके। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आपको करना होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड वो एक बार हो जाए उसके बाद आपको फिर से एसिड बनाना है। तो खुद ट्राई करो, ऐसे रिएक्शन आगे हमने जो किए हैं उसी का हमें यूज़ करना है, कुछ नया नहीं करना है उसके अंदर, तो खुद ट्राई करके देखो, बराबर। तो यहाँ पे 13.5 भी कंप्लीट हुआ, 13.6 13.7 भी आपको खुद करना है, 13.6 एंड 7, ओके। उसके बाद 13.8 है जो कन्वर्जन है जो मैं करवाऊँगा, बराबर। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे हम लोग एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे।